ग्रेट टू सी यू खतरों के खिलाड़ी, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द शो? आई हैव बीन सेइंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई एम वेरी नर्वस. इट्स नॉट द एक्साइटमेंट, आई मीन लाइक आपको आपके डर का सामना करना है. मुझे लगता है एक्साइटमेंट तो वहीं ठप करके गिर जाती है. सो इट्स मोर अबाउट बीइंग नर्वस. ओके, लेकिन अभिनव से, हस्बैंड से किस तरह का आपको एक एडवाइजरी कहीं ना कहीं मिली होगी, क्योंकि वो पिछले सीजन का हिस्सा रहे थे. वो जानते हैं कि मैं कितनी नर्वस हूँ, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि यू कैन डू इट. मैम, बिग बॉस की मैं बात करूँ, बिग बॉस विनर और खतरों के खिलाड़ी विनर एक ही बना है, वो श्रद्धा शुक्ला. यू विल बी द फर्स्ट लेडी हम देख पाएंगे बिग बॉस. दिस इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, प्लीज. दिस इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. ओ, आई डिड नॉट नो के ही वन बोथ, बट या दैट्स कमेंडेबल देन, क्योंकि बिग बॉस इज अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्टीज, जहाँ पर आपको यू हैव टू ओवरकम अ डिफरेंट सेट ऑफ फियर्स मे बी या चैलेंजेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सेट ऑफ फियर्स दैट यू आर गोइंग टू फेस. सो आई थिंक कोई दोनों अचीव कर पाया है तो यार इनक्रेडिबल है यार. रुबीना मैम, पानी वाला जो टास्क है, जो जो काफी अनकंफर्टेबल वाला टास्क माना जाता है, वो आपने देखा है जो लास्ट टाइम भी अर्जुन नहीं कर पाए थे, कुछ कहना? यार मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है, बट मैंने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अभिनव का सुना है, एंड ही डेफिनेटली सेज कि यार 4 डिग्री पानी मतलब फ्रीजिंग होता है, एंड देन यू हैव टू गो यू नो अचीव दैट टास्क इन अ सर्टन टाइम एंड एवरीथिंग. चैलेंजिंग तो ऑफकोर्स होगा, इसकी तो मतलब दो राय है ही नहीं, बट कौन कितना अचीव कर पाएगा यार, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपने कितनी तैयारी की? कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, आपने कितनी तैयारी की? आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, कि ये एकमात्र ऐसा शो है जहाँ पर आपकी 15-20 दिन की तैयारी आई डोंट नो विल डिफाइन कि आप ये ट्रॉफी घर लेकर आ सकते हैं. बिकॉज यार आपको अपने डर का सामना करना है, तो डर का सामना ऐसा हफ्ते में या महीने में तो अचीव नहीं हो पाएगा, या फिर हफ्ते में आप एकदम सुपर पावर या कुछ एक एनर्जीज नहीं लेकर आ पाएंगे. सो आई थिंक इट इज़ व्हाट यू आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अब आप ऐसे स्टेज पर हैं कि आप अपना खतरा या अपने डर का सामना कैसे कर पाए. मैम, आप सब कंटेस्टेंट में एक विनर कंटेस्टेंट हैं जो हाल ही में एक लॉकअप शो जीते हैं, मुना और फारूकी की बात कर रहे हो, उनसे कंपटीशन किस तरह से देखने मिलेगा आपका? क्योंकि देयर इज अ स्टंट, एलिमिनेटेड स्टंट यू हैव टू कंपीट विद टू पीपल, एंड आर यू रेडी? ही इज वेरी माइंडफुल गेम है. अच्छा, पता नहीं, आई एम श्योर खतरों के खिलाड़ी इज डिफरेंट फ्रॉम बिग बॉस और लॉकअप. यार यहाँ थोड़ी ना स्ट्रैटेजीज अपनानी है. आई थिंक इट्स गोना बी अ फेयर प्ले, फेयर गेम, वेयर वट एवर इज ऑन द वॉच, वट एवर यू सी समवन परफॉर्मिंग हैज टू बी, मतलब यहाँ यू कांट चीट एनीवन. जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला का फाइनल स्टंट हो जाए, उन्होंने सना सैयद से कम्पीट किया था, और माइंड गेम था फाइनल स्टंट की मैं बात करूँ, जो जिताए थे, और पहले ऐसे व्यक्ति बने जो जिन्होंने बिग बॉस भी जीता और खतरों के खिलाड़ी. अगर आपको कंपटीशन में फाइनल स्टंट में मुनावर सामने हो, जहाँ माइंड गेम खेलना हो, और एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट लेडी टू विन बोथ द शो, तो उसमें आप क्या करोगे वो टास्क पे? मैम, बड़ा प्रेशर है क्या? चलो, थैंक यू. टू मच ऑफ प्रेशर यार. आप जीतने वाली है तो कुछ कह दीजिए. जीत गई तो मैं वापस इंटरव्यू दूंगी, जीत वाला इंटरव्यू दूंगी, हार के आऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं सबको निराशा होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा होगी, तो ये हम जुलाई के बाद रखते हैं. ठीक है.